हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इंडिया पोस्ट द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की वैकेंसी हैं। टोटल 38,926 वैकेंसी हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सिलेक्शन जो है मेरिट के आधार पर किया जाएगा और ये मेरिट जो है 10th क्लास के नंबर्स के आधार पर बनाई जाएगी और सिस्टम जनरेटेड होगी। तो इसमें चीटिंग जैसा कुछ नहीं होगा, सिस्टम जनरेटेड होगा मेरिट। तो इसमें रिटर्न एग्जाम होना नहीं है, तो कोई भी सिलेबस भी नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आपको 10th क्लास पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई करेंगे तो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज तो आपकी कंपलसरी है, आप देख लें अगर आपकी जो लोकल लैंग्वेज हो उसी स्टेट में अप्लाई करें, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। और लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो है आपके 10th क्लास में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यूपी के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th में आपके पास हिंदी होनी चाहिए। इसके बाद साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। यहाँ पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म होगा, आपको उसको देना होगा। फॉर्म फिल करते समय आपको बताना होगा कि आपको साइकिल की नॉलेज है। लेकिन अगर आपको स्कूटर चलाना आता है या फिर मोटरसाइकिल चलानी आती है तो उसको जो है साइकिल की नॉलेज के बराबर माना जाएगा। तो अगर साइकिल चलानी नहीं आती है और स्कूटर या मोटरसाइकिल चलानी आती है तो आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बेस्ड होगा और ये मेरिट जो है 10th के नंबर के आधार पर बनाई जाएगी। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसकी नोटिस जो है आपको दी जाएगी। अगर आप 10th से ज़्यादा पढ़ें, जैसे कि अगर आप PhD हैं और इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप केवल एलिजिबल रहेंगे और इसके कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। तो ये थी इसकी जानकारी, इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। इसके साथ ही बता दें अनअकैडमी द्वारा UPSC की तैयारी करने वालों के लिए अनअकैडमी UPSC सिविल सर्विस एग्जाम कॉम्बैट लॉन्च किया जा रहा है। ये कॉम्बैट जो है 8 मई को 11 बजे होगा, जिसमें 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। इसमें लगभग 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आपकी रैंक 1 से 3 के बीच में आती है तो 90% स्कॉलरशिप मिलेगी और 4 से 10 के बीच में है तो 75%, और अगर 11 से 50 के बीच में रैंक है तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं पर जिनकी रैंक 51 से 500 के बीच में है उनको 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये टेस्ट जो है पूरी तरह से फ्री है, लाइव टेस्ट होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उस लिंक पे क्लिक करें। उसके बाद SR अड्डा कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही डेली स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए, और T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रशांत धवन द्वारा चलाई जा रही है। ये टेस्ट सीरीज मंडे से फ्राइडे 7:30 बजे होगी शाम को, जिसमें डेली 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मिनट में, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसमें आपको रिवार्ड भी दिए जाएंगे। अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो आपको ₹1,000 का गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा, सेकंड रैंक आती है तो ₹500, और थर्ड से 10 के बीच में रैंक है तो आपको जो है ₹250 का रिवार्ड दिया जाएगा। तो इनरोल कर लें, अभी पूरी तरह से फ्री है। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। इसके अलावा पैथफाइंडर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी फ्री टेस्ट सीरीज है UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए, जिसमें जो है 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होगा। और ये टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी और एवरी सैटरडे शाम को 5 बजे ये टेस्ट सीरीज है। इसमें जिनकी रैंक 1 से 3 के बीच में है उसको मैगजीन और अनअकैडमी नोट्स दिए जाएंगे, लेकिन जिसकी रैंक जो है 4 से 10 के बीच में आएगी उसको केवल मैगजीन दी जाएगी। तो इस समय आपके लिए अच्छा मौका है, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।